सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान सुपरहिट थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की अच्छी कमाई हुई थी। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान के हवाला, हर्षाली मल्होत्रा, करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। काफ़ी समय से फैंस चाहते थे कि इस फिल्म का सीक्वल बने और अब लगता है कि जल्द ही उनकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं फिल्म का सीक्वल बनाने की। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में सलमान खान से डिस्कस किया गया है और एक्टर को उनका आइडिया पसंद आया है और वो भी सीक्वल को लेकर एक्साइटेड हैं। केवी ने कहा, मैं बजरंगी भाईजान को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय पहले सलमान खान को इस बारे में बताया था और वो इसके लिए एक्साइटेड है, लेकिन मैं इसके लिए एक प्रॉपर गाड़ी चाहता हूँ जो इसे आगे लेकर जाए। केवी ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द फैंस को इस फिल्म का सीक्वल देख पाएंगे। बता दें कि बजरंगी भाईजान में दिखाया गया था कि कैसे पाकिस्तान से एक बच्ची गलती से भारत में रह जाती है। सलमान उसे उसके देश, उसके घर छोड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और वहां उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी काफी इमोशनल थी और इस फिल्म के जरिए हर्षाली मल्होत्रा को भी दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला। बजरंगी भाईजान वैसे न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि सलमान के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म की रिलीज को 6 साल हो गए हैं। बजरंगी भाईजान के सीक्वल के जरिए सलमान नए रिकॉर्ड अपने नाम करने की तैयारी में है। देखा जाए तो सलमान खान की लास्ट फिल्म थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जिसमें सलमान खान नजर आए थे। अब उनकी फिल्म है अंतिम, पठान, लाल सिंह चड्ढा और टाइगर 3, जिसमें सलमान खान नजर आएंगे। पठान और लाल सिंह चड्ढा में तो सलमान खान का कैमियो है, लेकिन बतौर लीड एक्टर वो अंतिम और टाइगर 3 में नजर आएंगे। अंतिम फिल्म में सलमान के साथ आयुष शर्मा नजर आएंगे। फिल्म को सलमान ने प्रोड्यूस किया है। वहीं टाइगर 3 में सलमान के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आएंगे। देखा जाए दोस्तों तो सलमान खान और इमरान हाशमी पहली बार साथ काम करने वाले हैं। इसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जब से ये अपडेट आई है बजरंगी भाईजान 2 के सीक्वल की, तब से फैंस की बेसब्री का लेवल और बढ़ गया और फैंस भी चाहते हैं कि ये फिल्म जल्द से जल्द बने और बड़े पर्दे पर रिलीज हो। वेल, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।